नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के द्वारा फिजिकल एडुकेशन लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे। तो बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिससे कि वीडियो में बताई गई सारी बात आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला बिंदु हमारा है पोस्ट एंड वैकेंसी, दूसरा है इम्पोर्टेंट डेट्स, तीसरा है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, चौथा है एप्लीकेशन फी एंड सैलरी, और अंतिम यानी कि पाँचवा है सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई। और वीडियो के लास्ट में हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि वीडियो रियल है और छात्र पैलेस कोई फेक वैकेंसी का वीडियो नहीं बनाता है। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही करंट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, आपसे एक निवेदन था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बोले हैं कि अपने DP में तिरंगा लगाने के लिए, तो वो भी लगाइएगा और 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा फहराइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लोग पोस्ट एंड वैकेंसी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के द्वारा फिजिकल एडुकेशन लेक्चरर के लिए 24 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। पोस्ट का नाम क्या है? तो फिजिकल एडुकेशन लेक्चरर। और कितना पोस्ट पे वैकेंसी निकला है यानी कितना पद वैकेंसी निकला है? तो ये आपका 24 पदों पे वैकेंसी निकला है, ठीक है। 24 पदों पे फिजिकल एडुकेशन लेक्चरर के लिए आपका वैकेंसी आया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण तिथि यानी कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट होगा 10/8/2022 से, और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 9/9/2022। मैं एक बार डेट फिर से रिपीट कर दूं कि जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो कैंडिडेट 10/8/2022 यानी कि 10 अगस्त 2022 से लेके 9/9/2022 यानी कि 9 सितंबर 2022 के बीच में अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मेथड से फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग और देखते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया, शैक्षणिक योग्यता यानी कि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन कि मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एडुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिकल एडुकेशन में मास्टर्स का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या है। तो अगर हम यहाँ पे एज लिमिट आयु सीमा की बात करें तो जो आपका न्यूनतम उम्र है, मिनिमम एज है, वो आपका है 18 साल यानी कि 18 ईयर्स, और जो आपका अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपका है 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। और हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यहाँ लिखा गया है कि आपका जन्म कब यानी कि कब तक हो जाना चाहिए था और कब तक कि लास्ट डेट क्या है, यानी कि आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देंगे कि आपका नॉट बॉर्न बिफोर होता है ना कि और नॉट आफ्टर होता है, वो हम आपको दिखा देंगे कि इसके बाद या इससे पहले आपका जन्म ना हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए हमारा एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क क्या है और हमारा वेतन कितना होगा। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको यहाँ पे 1,000 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है, ठीक है। और जो हमारे आरक्षित वर्ग है, रिजर्व कैटेगरी हैं, उनके लिए है आपको यहाँ पे 500 रुपया आपको एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क रखा गया है। और अगर हम यहाँ पे मासिक वेतन यानी कि सैलरी की बात करें तो आपका यहाँ पे 40,800 से लेके 1,29,200 यानी कि 40,800 to 1,29,200 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं लोग और देखते हैं कि इसके लिए हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और हमें अप्लाई कैसे करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद जो कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। तो यानी कि आप बात करें यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की यानी चयन प्रक्रिया की, तो आपका इंटरव्यू यानी कि एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होगा, ठीक है। और अप्लाई करने की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो बेसिक डिटेल होता है उसे फिल करना है। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड कीजिएगा केयरफुली। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाकायदा आपको वहाँ बताया गया है एकदम डिटेल्ड वे में कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा अपलोड करना है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज क्या रहेगा, MB होता है MB या फिर KB,
उसमें आपका साइज लिखा गया है। और अगर यहाँ पे हम लोग उसके बाद यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप जो अपना एप्लीकेशन फ़ी है उसे पे कर दीजिएगा। और हाँ, एप्लीकेशन फ़ी जो पे कीजिएगा उसमें आप सावधानी बरतिएगा और केयरफुल्ली एप्लीकेशन फ़ी पे कीजिएगा। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम जाके देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सब जानकारी दी गई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप सबके सामने में एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगा। पीडीएफ फाइल ना भी खुले तो आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देंगे। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पहला आपको जो नोटिफिकेशन आया है वो इसी वैकेंसी से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे है फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर का, और ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के आधिकारिक वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया गया है कि फॉर्म जो फिल करेंगे उसका जो लिंक है वो आपको 10/8/2022 यानी 10 अगस्त 2022 को आएगा, और जो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का वो आपको है 9/9/2022 यानी 9 सितंबर 2022। और मान लीजिए कि कुछ गलती हो जाए आपके यहाँ पे फॉर्म में तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, जिसका डेट आपको है 10/9/2022 से लेकर 12/9/2022 के बीच में। यहाँ पे आपको उसके नीचे पोस्ट का डिटेल दिया गया है कि आपको किस कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पे सीट है। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर के लिए यहाँ पे आपको है 24 पदों पर वैकेंसी निकला है वो यहाँ पे लिखा गया है टोटल, और यहाँ पे आपको बांटा गया है कि कितना मतलब कि सीट है किसके लिए। और यहाँ पे आपको लिखा गया सैलरी या जो आपको यहाँ लिखा गया है 40,800 से लेके 1,29,200। यहाँ पे आपको लिखा गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपके यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ जो आपको हम बता रहे थे कि आपका जन्म इससे पहले ना हुआ हो और इसके बाद ना हुआ हो, वो यही लिखा गया। आपको यहाँ देख सकते हैं कि नॉट बॉर्न बिफोर और नॉट बॉर्न आफ्टर, यानी कि ये डेट है इससे पहले आपका जन्म ना हुआ हो, और ये जो नॉट बॉर्न आफ्टर है इसके बाद आपका जन्म ना हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। उसके नीचे अब यहाँ आपको लिखा गया है कि जो यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर के जो आपको मूल निवासी हैं बस उन्हीं के लिए ये फॉर्म है। द कैंडिडेट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो हमारा केंद्र शासित राज्य आपका है जम्मू एंड कश्मीर, उसका जो उनके जो मूल निवासी हैं जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं बस वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा गया स्कीम ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है। यहाँ देखिए आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, यहाँ लिखा कि आपको जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है और यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको 500 रुपया लिखा रखा गया एप्लीकेशन फ़ी। तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसके पहला नोटिफिकेशन आपको इसी का रहेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फिजिकल एजुकेशन लेक्चर के लिए जो वैकेंसी है उसका, तो जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, उसका उसे पूरा डिटेल से पढ़िएगा। पूरा डिटेल से पढ़ने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही आप लोग जाके उसे अप्लाई कीजिएगा, जिससे कि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही करें नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कोई दिक्कत हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ या फिर इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ तो आप हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं से आप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।